हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एल्फ फाउंडेशन के 3 शेड्स एंड आल्सो गोइंग टू ऑफ़ कोर्स गाइड यू कि इसमें से आपका शेड कौन सा करेक्ट होगा, तो शेड गाइड भी आपको मिल ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है एल्फ का फ्लॉलेस सैटिन फाउंडेशन। ये 15 शेड्स अवेलेबल है अभी नायका पे। इसका जो फिनिश है ये सेमी मैट फिनिश है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए चल जाएगा। वीगन क्रुएल्टी फ्री फॉर्मूला, नो सल्फेट्स एंड नो पैराबेंस। सो प्रोडक्ट पैकेजिंग तो आपने देख ही ली है। यूजुअली 30 ml का मिल जाता है हमें फाउंडेशन, लेकिन ये 20 ml का है, लेकिन इसमें पंप भी है, सो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट लेने के लिए। बाकी पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं। अब शेड्स की बात करेंगे और मेरे पास जो 3 शेड्स है उसमें से पहला वाला जो शेड है वो है बफ 250। ये लाइट स्किन टोन कैटेगरी में आता है और ये वॉर्म अंडरटोन का है, इसीलिए मैंने इसको लिया था। क्योंकि अगर बाकी शेड्स मुझे सूट नहीं हुए तो मैं एटलीस्ट लाइट ऐड करके थोड़ा उसको फेयर बना सकती हूँ, इसीलिए मैंने एक लाइट स्किन टोन कैटेगरी से लिया। थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई क्योंकि मैंने एक लाइट स्किन टोन कैटेगरी से ले लिया था। अब मैं बढ़ गई थी मीडियम स्किन टोन कैटेगरी में और एक स्मार्टनेस ये दिखाई कि मैंने न्यूट्रल अंडरटोन का लिया, ताकि अगर वार्म अंडरटोन वाला ज़्यादा वार्म हो तो मुझे न्यूट्रल एक होना चाहिए, इसीलिए। सो ये है सैंड 300 शेड। तीसरे शेड के लिए कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस तो नहीं दिखाई है क्योंकि ये मीडियम स्किन टोन कैटेगरी एंड वॉर्म अंडरटोन का है, बट मुझे ये लेने का इसीलिए मन किया ताकि अगर लाइट वाला जो वॉर्म अंडरटोन वाला मैंने लिया है वो ज़्यादा ही लाइट हो जाए, तो एक वॉर्म अंडरटोन से और एक शेड होना चाहिए। दैट्स वाई वॉर्म अंडरटोन एंड मीडियम स्किन टोन कैटेगरी, क्योंकि मैं डीप में तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं लाइट टू फेयर कैटेगरी में पढ़ती हूँ, और इसीलिए मैंने ये मीडियम स्किन टोन का लिया। दिस इज 330 कैश्यू। इन तीनों को मैंने स्वॉच करके आपको दिखाया है ऑन माय चीक बोन्स, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बफ शेड है वो काफ़ी लाइट है और अगर वो मैं सिर्फ लगाती हूँ तो बहुत फेयर लगूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट शेड है सैंड, वो अगर आप देखो तो उसमें काफ़ी बेज टोन्स है क्योंकि वो न्यूट्रल टोन का है। एंड थर्ड वाला जो कैश्यू शेड है वो बहुत ही ज़्यादा वॉर्म है, तो अगर वो लगाती तो थोड़ी डल लगती, इसीलिए मैंने क्या किया, अभी डेमो में जो आप देखोगे उसमें मैंने बफ एंड सैंड को मिक्स कर दिया है और आज मैंने इस तरह से फेस पे लगाया है। आई नो आप कहोगे कि मेरे पास 3 शेड्स है इसलिए मैंने मिक्स करके लगा लिए, हम क्या करें अगर आपसे मैचिंग स्किन टोन है, तो मैं कहूँगी कि आप बफ या सैंड में से कोई एक शेड ले लो, वो आपको सूट कर जाएगा। अगर आपको थोड़ा फेयर साइड में चाहिए तो बफ विल बी गुड, अदरवाइज सैंड इज़ गुड। थर्ड वाला शेड जो कैश्यू है वो ज़्यादा वॉर्म है तो डल हो जाएगा, इसलिए वो नहीं रेकमेंड करना चाहूँगी मैं। अगर आपको इंडिविजुअली हर एक शेड को लगा के डेमो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, मैं शॉर्ट्स वीडियो में हर एक शेड को लगा के आपको दिखाऊँ। सो डू कमेंट डाउन इफ यू वॉन्ट दैट। ओके, नाउ फॉर दोज जो मेरे स्किन टोन से मैच नहीं करते हैं, जो बहुत लाइट स्किन टोन से है या ऑपोजिट लाइक डीप स्किन टोन ऐसे है, उनके लिए मैं यहाँ पे एक शेड गाइड दे रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो। आप अगर पॉसिबल है तो स्टोर में जाओ एंड अकॉर्डिंग टू दिस शेड गाइड गेट द स्वॉचेज डन ऑन योर आइदर हैंड और ऑन योर चीक्स। चीक्स विल बी बेटर, ताकि ज़्यादा बेटर यू नो परफेक्ट मैच मिल जाएगा, एंड देन यू नो परचेस व्हाट यू वांट। शेड्स की तो बहुत सारी बातें हो गई, अब एप्लीकेशन एंड डेमो की बारी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डलनेस एंड ब्रेकआउट्स एंड क्लॉक्ड पोर्स एंड यू आर रियली लुकिंग फॉर अ गुड बिगिनर फ्रेंडली पीलिंग सॉल्यूशन, देन यू कैन ट्राई दिस डर्माकोस 15% AHA एंड 1% BHA बिगिनर्स पीलिंग सॉल्यूशन। ये एक जेंटल फॉर्मुलेशन है दैट डीपली एक्सफोलिएट्स द स्किन एंड क्लियर्स द स्किन फ्रॉम विद इन। दिस प्रोडक्ट विल फाइट डलनेस, अनइवन स्किन टोन, लार्ज पोर्स, ब्लेमिशेस एंड गिव्स यू नेचुरल ग्लो फॉर फिल्टर फ्री फोटोज। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें आता है ग्लाइकोलिक एसिड। It is a form of AHA which effectively removes dead skin cells to reveal fresh, bright and youthful looking skin. It fights acne, removes the dead skin cells and minimizes the pores.
एंड इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड विच इज़ BHA टू रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड क्लियर द सीबम. नाउ हाउ टू यूज दिस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई फेस, अप्लाई द पीलिंग सोल्यूशन अवॉइडिंग द आई एंड लिप एरिया. लीव इट फॉर नो मोर देन 10 minutes. A warm tingling sensation is normally expected, and then rinse it off with cold water. Avoid using other actives after using this peeling solution, and please ensure the uses of broad spectrum sunscreen. मैंने आज यूज़ किया है डर्माको का 1% हाइलोरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, जिसमें SPF 50 है एंड PA 4 times plus है. If you're just starting with peeling solutions, try it every 10 days first and then make it once a week. Also use this in the evening and check out all the links of these products in the description box and comment section. और अगर आप डर्माको की वेबसाइट से ले रहे हो तो मेरे पास कूपन कोड है जो आप यूज़ करके एक्स्ट्रा 20% ऑफ ले सकते हो. ऑल्सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम द वेबसाइट, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि. डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स दिस ईयर विद द यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव. स्किन केयर रिकमेंडेशंस के बाद अब यस डेमो देखेंगे एंड उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडाइजेशन, आफ्टर फील, किस तरह से ये स्टे ऑन करता है उसके बारे में. ओके, वेलकम बैक फ्रॉम द डेमो. आपने देखा डेमो में फिनिश कैसा था. डेमी मैट काइंड ऑफ फिनिश है एंड काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है और मुझे एक लेयर में अच्छा खासा कवरेज मिल गया था एंड मेरे जो एक्ने मार्क्स है या एक्ने हैं वो भी अच्छे कवर हो चुके हैं. अगर आपको चाहिए तो आप दो लेयर्स लगा सकते हो. फिनिश इज़ वेरी फ्लॉलेस, मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा. और ये स्टेइंग पावर वाइज कितना रहता है उसके लिए मैं चेकइंस करते रहूँगी. अभी जब मैंने आपको डेमो दिखाया था उसका टाइमिंग प्लस अभी का टाइमिंग आप देख रहे हो, इट्स बीन लाइक 3 hours और सो एंड द फाउंडेशन इज़ गोइंग गुड, एक्सेप्ट द पार्ट दैट माई दिस एरिया इज़ शाइनिंग बिकॉज आई हैव लाइक अ ऑयली स्किन. थोड़ा सा फोरहेड पे दिख रहा है. आई विल चेक इन अगेन आफ्टर 2 hours एंड देन शो यू. स्वॉचेस में आप देख सकते हो इसका जो ऑक्सीडाइजेशन है वो थोड़ा होता है, इतना नहीं. और ये मेरे फेस पे भी अभी परफेक्ट लग रहा है. पहले मुझे लगा था फेयर है बट नाउ आई कैन सी दैट इट्स लाइक परफेक्ट. इनफैक्ट यहाँ पे और वहाँ पे थोड़ा सेम दिख रहा था फेयरनेस, बट अभी यहाँ फेयर दिख रहा है और यहाँ पे मे बी इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव ब्लश एंड ऑल और वॉट आई डोंट नो, बट आई कैन सी दैट इट हैज़ काइंड ऑफ सेटल डाउन on my skin or on my face. Overall I'm loving it. मुझे अच्छा लगा ये फाउंडेशन. मुझे पहले लगा नहीं था कि मैं ट्राई करूँगी बट मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैंने ये परचेज़ किया. एंड क्योंकि मुझे आदत है आपको शेड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, इसलिए मैंने इसमें 3 shades भी लिए हैं सिर्फ आप लोगों को स्वॉचेज़ दिखाने के लिए एंड आप लोगों को हेल्प हो इसीलिए. एंड एज़ आई हैव सेड यू, अगर आपको स्वॉचेज़ देखने हैं या फेस पे लगा के देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. तो दैट्स माई रिव्यू अबाउट दीज एल्फ फाउंडेशंस. आई होप इट इज़ हेल्पफुल. आप शेड गाइड फॉलो करो, अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो स्वॉचेस देख लो एंड सी हाउ इट
works for you. And if you have any questions regarding shade or anything, let me know in the comment section. We can discuss there. And yeah, you can also check out the Dermaco products. That's all about this video. I hope you have subscribed to my channel with bell button so that aapko agle video ke bare mein bhi pata chale. I'm also going to review e.l.f. concealers naye wale, so stay tuned, subscribe karke rakhna, okay? Chalo guys, till that time, take care of yourself. Bye-bye.